तो अगर आप भी एक बिगनर फोटोग्राफर हो, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कौन सा ऑटो फोकस किस सिचुएशन में सेट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑटो फोकस सिंगल, मतलब मेरा कैमरा भी सिंगल है। अगर आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हो, मतलब स्टिल ऑब्जेक्ट की, तो आप सिंगल पे सेट कर सकते हो। अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हो, तो आप कंटिन्यूस ऑटो फोकस या फुल ऑटो फोकस यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक मैनुअल, मतलब इस रिंग के साथ फोकस करना चाहते हो, तो आप MF पे फोकस कर सकते हो। अच्छा, अगर सिंगल ऑटो फोकस की बात करें, तो उसमें आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, उसमें आपका ऑब्जेक्ट स्टिल है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। अगर कंटिन्यूस ऑटो फोकस की बात करें, उसमें आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, एक्शन फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और साथ कैंडिड फोटोग्राफी, जिसमें आप रैंडम एक्सप्रेशन कैप्चर कर सकते हो, उसमें आप कंटिन्यूस या फुल ऑटो फोकस मोड यूज कर सकते हो। तो अगर आप स्क्रीन पे कैप्चर कर रहे हो, स्क्रीन से अलाइव मोड पे जाके, तो मेक श्योर कि हमेशा आप फुल ऑटो फोकस मोड या सिंगल कंटिन्यूस ऑटो फोकस मोड हमेशा यूज करो, जिसकी वजह से आपको ब्लरी इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगी।